हाँ, तो इसमें क्या है कि आपका पहला क्वेश्चन है एन बी पॉजिटिव सीक्वेंस, पहले ही दे रखा है कि पॉजिटिव सीक्वेंस है, सच दैट दिस, इस कंडीशंस को दिया हुआ है एन इक्वल टू ये, यानी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड इतना हैज रियल रूट फॉर ऑल एन, देन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है ना, तो इसके पास रियल रूट है तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो कैसे कैसे, पढ़ना होगा? ओके, आप लोगों को याद होगा एक मैं आईएसआई के लिए क्वेश्चन सॉल्व किया था तो उसमें कुछ और पूछा था, तो मैं आपको उसी समय बतलाया था कि इस कंसेप्ट पर क्वेश्चंस आईआईटी बना सकता है, तो वही उसी कंसेप्ट पर मैंने आईआई मींस उसी कंसेप्ट पर मैं ये क्वेश्चंस का फॉर्मेशन किया था, यानी उसका एक पार्ट में निकाल करके अलग कर दिया, उसमें और भी चीजों को मींस उसमें और भी चीजें पूछा था। ठीक है ना, थोड़ा उसका और ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें था, मैं उसका एक सिंपल सा पार्ट निकाल करके 1 मार्क्स का क्वेश्चन बना दिया, यदि उसका पूरा पूछता तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता, लेकिन चूंकि आईएसआई ने वो पूछ रखा है तो उसको दोबारा पूछने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो इसलिए मैं उसका एक छोटा सा पार्ट निकाल करके मैं उससे पूछ दिया। वहां नो रियल रूट का कंडीशन था, आपको अच्छे से याद होगा मैं कुछ दिन पहले ही डिस्कशन कराया था कि वहां नो रियल रूट का कंडीशन था, यहां मैं रियल रूट का कंडीशन दे दिया, वहां पर इंक्रीजिंग सीक्वेंस था, यहां पर मैं डिक्रीजिंग सीक्वेंस दिया। ये किसका कंडीशन है, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस का कंडीशन है, माने उसी क्वेश्चंस के मैं डेटा को मैनिपुलेट कर दिया हूं, बाकी कुछ नहीं किया और उसका एक पार्ट में अलग कर दिया और वहां से क्वेश्चंस का मैं फॉर्मेशन कर दिया, तो आपको पता चल गया कि एन क्या है, आपका डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो जब एन डिक्रीजिंग हो गया और इसके पास यदि लोअर बाउंड हो गया तो बाउंडेड हो गया, या सीक्वेंस बाउंडेड हो गया और मोनोटोनिक का नेचर दे ही रखा है, तो बाउंडेड प्लस मोनोटोनिक क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। यदि कोई सीक्वेंस बाउंडेड है और साथ में मोनोटोनिक भी है तो क्या हो जाएगा, आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। तो अब बाउंडेड का नेचर कहां से दिखलाया जाए, मोनोटोनिक का तो नेचर डायरेक्ट दिख रहा है, अब बाउंडेड का नेचर कैसे दिखलाया जाए, तो यहां पर दे रखा है कि हैज रियल रूट, तो एक कंडीशन ये है कि आप रियल रूट निकालने लगोगे तो वहां से कुछ कंक्लूजन नहीं निकलेगा आपका, मे बी आप आगे ज्यादा डीपली सोचो तो निकाल भी सको, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है ना, लेकिन यदि आप सोचिएगा तो चलो इसका रूट निकाल कर देखते कि रियल कब होता है, यदि आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करते हैं तो शायद आपसे निकल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट का यूज कर लो, जो आपको रियल रूट की प्रॉपर्टी मालूम है वो ये भी रूट निकालने के बाद ही पता चला है, ऐसे नहीं कि ये हवा में पता चला है, कि या कोई कोई आया और डायरेक्टली लिख दिया कि इस कंडीशंस के लिए रियल रूट होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा ना, कोई आया होगा रियल रूट को निकाला होगा, निकालने के बाद ये देखा होगा कि अच्छा इस कंडीशंस को हम अप्लाई कर रहे हैं तो ही इसके पास रियल रूट होगा, अदरवाइज इसके पास रियल रूट नहीं होगा। तो वो कंडीशन अब मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आपका हो जाएगा an का स्क्वायर -4ac, क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी है, अब ये तो चीजें सॉल्व करने हो आना चाहिए ना, कि लेस से लेस होगा और ग्रेटर से ग्रेटर होगा, ठीक है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि जो ये सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर का सीक्वेंस है तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एन निगेटिव शो कर रहा है, यानी यदि आप इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग सीक्वेंस के टर्म को कंसिडर करते हो तो एन का टर्म क्या होगा, निगेटिव होगा, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पॉजिटिव सीक्वेंस दे रखा है, तो ये तो गायब हो गया। अब बचाइए तो इस सीक्वेंस के पास क्या है, लोअर बाउंड है ना, इस सीक्वेंस के पास क्या है, लोअर बाउंड,
लोअर बाउंड और सीक्वेंस डिक्रीजिंग है और इसके पास लोअर बाउंड हो गया, दैट मींस की सीक्वेंस क्या हो गया, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया, बाउंडेड प्लस मोनोटोनिक क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। तो सीक्वेंस क्या हो गया, कन्वर्जेंट। तो ये कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस सच दैट एन कैन बी कन्वर्ज टू टू, क्या ऐसा कोई सीक्वेंस मिलेगा जिसका देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस सच दैट एन कैन बी कन्वर्ज टू टू, हाँ ऐसा सीक्वेंस मिल जाएगा। देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस कैन बी कन्वर्ज टू वन, क्या ऐसा कोई सीक्वेंस मिलेगा जो वन पर कन्वर्ज करेगा। तो इसका तो लोअर बाउंड टू है ना जी, तो ये गाड़ी कभी वन तक पहुंच पाएगी किसी भी जन्म में, और ये देयर एग्जिस्ट की बात कर रहा है, ऐसा नहीं कि सीक्वेंस का लिमिट टू हो गया, नहीं सीक्वेंस का लिमिट टू थोड़े हुआ। अब कोई सीक्वेंस का टर्म इससे ग्रेटर हो सकता है ना, जैसे कि टू ग्रेटर देन थ्री प्लस वन बाई एन, ये है जो कि टू से क्या है हमेशा ग्रेटर है और डिक्रीजिंग भी है, तो क्या ये टू पर कन्वर्ज कर रहा है, देखो तो नहीं कर रहा है ना, थ्री पर कर रहा है। तो यह ऑल सीक्वेंस की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि क्या ऐसा कोई सीक्वेंस मिलेगा जो टू पर कन्वर्ज करेगा, तो बिल्कुल मिल जाएगा, टू प्लस वन अपन एन, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो टू प्लस वन अपन एन कहां कन्वर्ज कर रहा है, टू पर कन्वर्ज कर रहा है जो कि क्या है, टू से ऑलवेज ग्रेटर है, और कहां पर कन्वर्ज कर रहा है, टू पर कन्वर्ज कर रहा है। हाँ एक ऐसा हमें डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिल गया जो कि टू पर कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन हमेशा नहीं करेगा, ये कहां कर रहा है, तो इसलिए देयर एग्जिस्ट लिखा। अब कह रहे कि देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस, अब इसकी लिमिट कभी वन माने टू से कम हो ही नहीं सकती है ना, इसकी जो लिमिट की वैल्यू होगी वो क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू टू होगा, तो वन तक कभी गाड़ी पहुंची गई नहीं थी, ये फेल हो गया, ये भी फेल हो गया। अब एन की लिमिट कभी जीरो हो नहीं सकता है, एन की लिमिट कभी जीरो हो नहीं सकता है, तो जब एन की लिमिट जीरो नहीं होगा तो यह सीरीज डाइवर्ज कर जाएगा ना, यदि जीरो होता तो ऐसा नहीं कि मैं बोल देता कि कन्वर्ज कर जाता, हाँ उस केस में एक मिनट, उस केस में यदि एन जीरो पर जाता तो उस केस में हमें देयर एग्जिस्ट लिखना पड़ता, तो यहां पर समेशन ऑफ एन क्या हो गया, इज कन्वर्जेंट, गलत कर रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है, हो गया क्वेश्चंस, यानी इसको डिफिनिशंस के अकॉर्डिंग प्रोसीड करना था, यहां पर पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट क्वेश्चन ये नहीं है कि आपने एक फॉर्मूला है, एक मशीन है, उसमें डेटा का एंट्री किया और आंसर निकल गया, ये वैसा क्वेश्चंस नहीं है। ज्यादातर सीक्वेंस के यानी ज्यादातर रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस ऐसे ही मिलते हैं, या डिफरेंशियल कैलकुलस के ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही मिलते हैं, स्टैट्स में फॉर्मूला है ज्यादातर, यहाँ पर उतना फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पर कंसेप्ट काम आता है, और उसी को यदि आप बार 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 चीजों को सोचते हो तो आप इजिली कनेक्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, तो इसके लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को मल्टीपल टाइम सोचो इसकी जरूरत है, तो आप भी कनेक्ट कर लोगे, हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यदि किसी को डाउट कुछ है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या कि समेशन ऑफ एन ये कन्वर्जेंट, तो ये एन जीरो के तरफ नहीं जा रहा है ना, इसकी लिमिट नॉन जीरो है ना, तो इसका समेशन डाइवर्ज कर जाएगा ना जी, ये जीरो के तरफ जाता तो कन्वर्ज हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, जब एन जीरो के तरफ नहीं जाएगा तो ऑलवेज सीधी डाइवर्ज ही करेगा, इसका सम इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, क्लियर है। अरे भाई रियल रूट है ना, तो रियल रूट ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, इक्वल टू जीरो के लिए रियल रूट नहीं मिलता है, क्वेश्चन नंबर टू, ये भी लॉलीपॉप क्वेश्चन है ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आपका आसान है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सब आसान आसान अभी क्वेश्चन है, आगे देखता हूँ, शुरुआत तो आसान से ही हुआ था। तो
ये कह रहा है कि कोई फंक्शन है इस तरीके से डिफाइन किया गया है एक्स स्क्वायर वाई लेस देन एक्स और वाई वाई ग्रेटर देन एक्स। देखिए ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये भी आसान है, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना होगा, पहले इसका रीजन प्लॉट कर लो, रेक्टेंगुलर रीजन में इसको इंटीग्रेट करना है, ये मैं क्लास में कई बार बतलाया भी हूं। अब y इक्वल टू x का लाइन प्लॉट कर लेना है, क्योंकि y इक्वल टू x पर ये चीजें क्या हो रही है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यहाँ y लेस देन x है और यहाँ y ग्रेटर है x, ये हो गया y ग्रेटर देन x एंड y लेस देन x, ठीक है। अब इसको दो पार्ट में इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लो, हो गया, बेसिक डिफिनेशन से अप्रोच करना था, कुछ था ही नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, e का पावर यदि इसे R1 रीजन नाम दे दो, इसको R2 रीजन नाम दे दो, तो R1 रीजन में f ऑफ x कमा y की वैल्यू क्या है, x की तरफ चेयर आए तो x स्क्वायर, ठीक है। dy इसको तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना मुश्किल है, तो हम पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, दिख रहा है कि इसको x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि इसका हम इंटीग्रेशन नहीं जानते, ठीक है। फिर R2 में E का पावर क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा, इसको आप किसी के भी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मन है तो X के रिस्पेक्ट में पहले कर दो या मन है तो पहले Y के रिस्पेक्ट में कर दो, जैसे आपका मन करे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बस बाई पार्ट से बच जाना, तो बाई पार्ट से बचने के लिए सबसे उपाय है कि इसको Y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट, ऐसा नहीं कि यहाँ Y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए हो तो यहाँ भी y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना जरूरी है। अरे भाई ये एक नया क्वेश्चन हो गया ना, अब इसका इसको इंटीग्रेट करना है तो इसके अकॉर्डिंग सोचेंगे ना हम, ना कि इसमें क्या किए है वो हम सोचेंगे, इससे हमें क्या लेना देना है, ये हमारे पास एक नया क्वेश्चन आ गया, इसको नए क्वेश्चन की तरह देखो। कितने को लगता है ना कि चूंकि इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए है तो एकदम जबरदस्ती इसको भी पहले y की ही रिस्पेक्ट में करेंगे भले इंटीग्रेशन ना हो, और ये दिमागवा काम नहीं करता है उस समय, ये एक नया क्वेश्चन हो गया, अब देखते हैं कि इसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना आसान है, उसके अकॉर्डिंग लिमिट को पुट कर देते हैं। अब ये नहीं करोगे, अब इतना बेसिक दिमाग नहीं लगाओगे तो अब तो भगवान ही मालिक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, जीरो से एक्स मिनिमम वैल्यू जीरो है और मैक्सिमम वैल्यू वन है, यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ आर टू रीजन में, तो एंट्री करोगे तो एक्स पर एंट्री होगा, एग्जिट वन पर होगा, और अभी भी जीरो से वन मिनिमम वैल्यू, एक्स की मिनिमम वैल्यू जीरो है और मैक्सिमम वैल्यू वन है, इसके अकॉर्डिंग देख लेना आंसर कौन सा आ रहा है, हो गया। अब इंटीग्रेट करने आपको आता है, कर लेना, क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो इसमें पूछ लो आप। ओके, यहां भी है, मेरे पास नहीं है तो दूर क्यों जाना है। आपको याद होगा कि एक मैं आईएसआई में क्वेश्चन डिस्कस किया था आईएसआई के प्रीवियस ईयर में, और उस समय आपको इसका मैं एक्सपेक्टेशन निकाल के सिखाया था, मैंने वहां कुछ और था, मैंने उस चीज को बदल दिया, वहां पर प्रोबेबिलिटी पूछा था, आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि उस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी पूछा था, और उस चीज को मैं क्या कर दिया, बदल करके एक्सपेक्टेशन दे दिया, और यहाँ का थोड़ा फंक्शन भी बदल दिया, वहां पर y था और 1 माइनस y था, यदि अच्छे से याद होगा वहां y था और 1 माइनस y था, और बाकी सब कुछ सेम सेम था, और इसके बदले प्रोबेबिलिटी पूछा था, लेकिन आपको एक्सपेक्टेशन भी निकाल के सिखा, इस चीज के लिए मैं आपको एक्सपेक्टेशन भी निकाला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड निकालने के लिए आपको मैं दो तरीका बतलाया था, यदि आपको अच्छे से याद होगा, फ्लैशबैक में जाने की कोशिश करोगे, जो क्लास किया होगा याद होगा, नहीं भी किया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो मैं तो क्वेश्चन करूंगा ही करूंगा, तो वहां मैं आपको दो तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, एक टोटल एक्सपेक्टेशन के कंसेप्ट का यूज करके सॉल्व किया था, और दूसरा जेड का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के मैं सॉल्व किया था, दो तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ।
तो यहां पर यदि मैं जेड का डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की बात करूं, जेड का डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी मैं दोनों तरीके से सॉल्व करूंगा, देखता हूं किससे सॉल्व हो पाता है, जिससे होगा उससे हम सॉल्व करके निकल जाएंगे। यदि एक तरीके से सॉल्व हो गया तो दूसरा भी तरीका ट्राई कर लेंगे, लेकिन ये ड्यूरिंग टेस्ट नहीं करना है। हाँ, यदि आपको अपने आप पर डाउट हो रहा है कि पता नहीं आंसर मेरा सही है कि गलत है, तो उस केस में आप दूसरे मेथड का यूज कर सकते हैं, और दोनों मेथड से आंसर सेम ही आएगा। यदि सेम नहीं आ रहा है तो आप कोई एक मेथड में गलती कर रहे हो, या कहीं कैलकुलेशन गलती कर रहे हो, या कंसेप्ट आप सही से अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो इस चीज को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हो रूम पर, एनालिसिस कर रहे हो, तो ऐसे ही आराम आराम से करो। जब भी आप टेस्ट का एनालिसिस कर रहे हो तो पूरा टाइम दीजिए, जैसे आप 3 घंटे का टेस्ट 3 घंटे में कंप्लीट करते हैं जितना भी क्वेश्चन होता है, अब उसी सेम टेस्ट पेपर को कंप्लीट करने में मिनिमम 5 से 6 आवर, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से कंसेप्ट सीखना, और जो क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से कंसेप्ट सिखाएगा, आप थ्योरी लाख बार भी पढ़ लो, आप कंसेप्ट को नहीं सीख पाइएगा। तो क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है, और आराम आराम। तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो ये पहले बताओ कि जेड क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है, तो ना इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे जी। तो जेड हमारा क्या क्या ले सकता है वैल्यू, वाई, वाई इक्वल टू 0, 1, 2 और 3, यही वैल्यू लेगा ना। जब वाई इक्वल टू 2 होगा तो जेड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमारा जेड कितना वैल्यू ले सकता है, यदि मैं जेड इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी निकालूं कि जेड इक्वल टू 0 क्या होगा, तो जेड इक्वल टू 0 कब पॉसिबल है, देखो तो एक ही केस में पॉसिबल है, जब वाई 0 होगा। जेड आपका 0 तभी पॉसिबल है जब वाई 0 होगा, यहां से जेड 0 हो ही नहीं सकता है। आप y की मिनिमम वैल्यू 0 लीजिएगा तो 1 आएगा ना, तो यहां से z की वैल्यू 1 आएगा। और आप y इक्वल टू 0 कब पुट कीजिएगा, जब x इक्वल टू 0 गिवन रहेगा, और ये अपने मन से लिखे हो तो इसको बैलेंस भी करना होगा ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का तो यूज करना होगा ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 0 कब होगा, यानी z इक्वल टू 0 कब होगा, z इक्वल टू 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा। जब x इक्वल टू आपका 0 होगा तब जाकर के z इक्वल टू 0 होगा, यहां पर यानी y को 0 होना पड़ेगा ना, y को 0 होना पड़ेगा, यहां पर y को 0 गिवन x इक्वल टू 0 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। एक ही पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि x और y इंडिपेंडेंट है, ये दोनों अलग हो जाएगा, ये हो गया। अब y इक्वल टू 0 पर प्रोबेबिलिटी आपको पता है, बाइनोमियल दिया है, तो क्या हो जाएगा जी, 1/2 ही हो जाएगा ना, और x इक्वल टू 0 पर भी 1/2 ही हो जाएगा, ये 1/4। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल टू 1, अब देखो z इक्वल टू 1 कब होगा, जब यहां पर y इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्या हो गया, ओके आप ये बतला रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 0 बतला रहे हो, तो y इक्वल टू 0 में गलत लिखा हूं क्या, ठीक है देख लेता हूं। 2y 1/2 to the power 2, ठीक है, तो y इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगा, अच्छा 1/4 हो जाएगा, आप यही बोल रहे हो ना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/8, ठीक है जी, देख लेना गलत ना हो, ये है y इक्वल टू y, तो जब y इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये तो 1 हो जाएगा, 2c0 क्या होता है 1 होता है, और 1/4 ये हो गया आपका 1/4। y इक्वल टू 1 ये कब होगा, z इक्वल टू 1 कब होगा, जब एक तो y इक्वल टू 1 हो जाए, तो इसके लिए गिवन x इक्वल टू 0 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस,
और भी तो पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर मैं आपको बताया था कि टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट लगेगा, यहां से भी तो जेड वन हो सकता है। कब? जब y इक्वल टू जीरो होगा तब। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू जीरो गिवेन x इक्वल टू वन, y इक्वल टू जीरो यहां पर, z इक्वल टू वन कब होगा? जब z इक्वल टू वन प्लस y इक्वल टू क्या हो जाए? जीरो हो जाए, सॉरी वन हो जाए। वन प्लस y इक्वल टू क्या हो जाए? z इक्वल टू वन करना है ना, तो वन प्लस y इक्वल टू वन यानी y इक्वल टू जीरो। और यह कब हो आएगा? जब x इक्वल टू वन होगा, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू वन। क्योंकि x और y इंडिपेंडेंट है तो कंडीशनों का यहां पर कोई मीनिंग ही नहीं। ये हो गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू वन पर प्रोबेबिलिटी 1 बाई टू हो जाएगा, मुझे लग रहा है, चेक कर लेना। और x इक्वल टू जीरो पर अभी भी 1 बाई टू ही होगा, गलत होगा तो बतला देना। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा? प्लस y इक्वल टू जीरो पर 1 बाई फोर इंटू x इक्वल टू वन पर भी 1 बाई टू ही होगा ना, क्योंकि 1 बाई टू मैं जानबूझ करके सिमेट्रिक दिया था ताकि आपके लिए कैलकुलेशन करना ईजी हो। एक्चुअली मुझे भी कैलकुलेशन ही करना था, आंसर को तो सही भी खुलाना था। तो 1 बाई फोर और 1 बाई एट कितना हो जाएगा? 3 बाई एट। सिमिलरली z इक्वल टू टू पर बतलाव जी कितना होगा? यदि z इक्वल टू टू की बात करूं तो यहां पर छोटा नहीं होगा, कहीं ना कहीं यूज करना होगा। यदि z इक्वल टू मैं 2 की बात करूं, उसको दूसरा कलर यूज करता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इक्वल टू टू, जेड इक्वल टू टू कब होगा? जब y इक्वल टू टू हो जाए और यहां पर y इक्वल टू वन हो जाए। इस केस में y इक्वल टू टू हो जाए और इस केस में y इक्वल टू वन हो जाए तो ही जेड इक्वल टू टू होगा। तो उस केस में निकालिए, यानी इस केस में आपका हो जाएगा y इक्वल टू टू। अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, आपको पता चल गया है कि क्यों तामझाम करना है, प्रोबेबिलिटी क्यों कंडीशनल देना है, बाद में तो अलग ही हो जाएगा ना। फिर ये y इक्वल टू टू हो गया, फिर y इक्वल टू वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू वन बतलाओ। सिंप्लीफाई करके कितना आ जाएगा? टू पुट करोगे टू वन यानी वन बाई फोर इंटू वन बाई टू, तो वन बाई एट हो गया यहां, प्लस यहां कितना आ जाएगा जी? ये तुम्हें कहीं निकाला हो ना? नहीं, कहीं नहीं निकला। y इक्वल टू वन और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू वन, ठीक है। तो वन के लिए क्या हो जाएगा? वन बाई टू और x इक्वल टू वन के लिए वन बाई टू, ओके, बात तो बराबर ही है ना। वन बाई फोर यानी थ्री बाई एट यहां भी आ गया। सिमिलरली z इक्वल टू थ्री के लिए निकाल लो, थ्री तक ही गाड़ी जा रही है, लास्टिंग है, ठीक है ना। अब देखो z इक्वल टू थ्री केवल यही से पॉसिबल है, ठीक है ना। आप थोड़ा निकालो, ये लाइट को मैं बंद कर लू, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा, कुछ नहीं देगा, अंधेरा कायम रहने वाले। वन बाई एट हो रहा है, ओके। तो z इक्वल टू थ्री केवल कहां था? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अब एक्सप्लेन मत करो क्योंकि ये सब मैं कर दिया हूं, कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना। अब देखो z इक्वल टू थ्री क्या होगा? जब y इक्वल टू टू होगा, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये कब होगा? जब x इक्वल टू वन होगा। यहां से क्या आ जाएगा? y इक्वल टू टू के लिए वही वन बाई फोर और यहाँ पर वन बाई टू, वन बाई एट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन निकल गया। जब डिस्ट्रीब्यूशन निकल गया था, अब आप प्रोबेबिलिटी निकाल दो। जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन निकल गया, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन निकल गया, तब एक्सपेक्टेशन इजीली निकल जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड निकाल दो। मैं इतना क्वेश्चंस को लंबा चौड़ा किया था, सब बात पता नहीं, रफ करते करते पता नहीं चलता है ना। अब थोड़ा सिस्टमेटिक वे में सॉल्व हो रहा है ना, तो क्वेश्चंस बनाते समय ऐसे ही रफली हल्का फुल्का पेन चलाओ, लिखो, चलो ऐसे मेरे कैलकुलेशन पर भरोसा मत करना। तो जीरो है, हाँ एग्जाम में गलत नहीं करता हूँ, बोर्ड शोर्ड पर गलत कर सकता हूँ,
ये जीरो इंटू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इक्वल टू जीरो कोई मतलब है नहीं, क्यों लिखना है, वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इक्वल टू वन कितना हो जाएगा 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8 सिंप्लीफाई कर लो 3 प्लस 6 9 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा जी 12/8 देखो प्रभु जी आ जाना तो यहाँ हो जाएगा 3/2 है जी 3/2 वाओ सब बात हो गया। एक तरीका ये था और ये मैं उसी समय आपको बतलाया था जब मैं आईएसआई का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था उसी समय ये क्वेश्चन मैं बना लिया था और आपको शायद एक्सपेक्टेशन भी निकाल के सिखाया था अलग से, वहां प्रोबेबिलिटी पूछा था लेकिन मैं आपको एक्सपेक्टेशन भी करके बतलाया था कि एक्सपेक्टेशन भी यहाँ पर पूछा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी पूछ दिया तो एक्सपेक्टेशन पूछ सकता है, आज एक्सपेक्टेशन पूछा कल वेरियंस पूछ सकता है, आपसे वेरियंस ऑफ जेड पूछ देगा, ये जब पूछ देगा तो आपको यूज करना पड़ेगा या तो डिस्ट्रीब्यूशन का या फिर टोटल एक्सपेक्टेशन के कंसेप्ट का। ये तो डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके हमारा निकल गया स्टेप बाय स्टेप। क्या रहा है 11 आ रहा है स्क्रीन का प्रॉब्लम आने लगा जी, क्या वही हो रहा है क्या, लाइन आ रही है ओके वो करंट आने लगा, इन्वर्टर में कुछ दिक्कत हो गया है, अभी तक सही चल रहा था ना लाइट, वो ना लग रहा है ना कि मुझे ना इसको चार्ज करके रखना पड़ेगा कैमरा की बैटरी, उसका तो बीमारी बहुत बीमारी दूर ही नहीं होगा, बहुत बीमारी का क्या इलाज, फ्रिक्वेंटली हो रहा है कि रह रह के हो रहा है, सही है चलो ठीक है सही है तो करो। चलो एक ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका देखते हैं, कल ना कैमरा का बैटरी को चार्ज करता हूँ, मेरे पास दो दो बैटरी है, इसका एक चार्जर भी दिया है तो बैग में पड़ा है तो उसका यूज करता हूँ, क्योंकि वो अर्थिंग ले रहा है ना, अर्थिंग का दिक्कत। चलो तो उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, लिखो मत लिख ठीक है ना, लिखोगे तो फिर हो जाएगा कल्याण अच्छे से, जितना टाइम थोड़े कम, हाँ क्लास वाली चीजें लिखो मना नहीं कर रहा, टेस्ट वाली चीजें क्यों लिख रहे हो जब खुद से करना बाद में, रिकॉर्डिंग रहेगा ना भाग खुद रहा। तो यहाँ पर एक और कंसेप्ट था हमारे सामने, क्या एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड क्या था जी, मैं खुद भूल रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड गिवन एक्स इक्वल टू जीरो इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ मीन्स जेड तो हो ही गया ना, हाँ एक्स इक्वल टू जीरो के लिए सही है, वन प्लस यानी जेड गिवन एक्स इक्वल टू वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू, ऐसे जल्दी हो जाएगा लग रहा है कि मैं ऐसे ही कि हम अब आ गया लाइन। चलो तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो गया ठीक है, जब यहां से ये हो गया तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ, जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो वाई होगा, एक्स इक्वल टू जीरो इंटू वन बाई टू प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वन प्लस वाई गिवन एक्स इक्वल टू वन इंटू वन बाई टू, ठीक है ना, बर्नौली है, बर्नौली वन बाई टू है क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है, तो कितना हो जाएगा जी, इसका एक्सपेक्टेशन y का एक्सपेक्टेशन बाइनोमियल है n into p, जानबूझ करके दिया हूं, कट कूट क्या हो जाएगा 1/3/2, देखो ये हो गया आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन, वैसे था तो 2 मार्क्स लग रहा था,
आपको भी लग रहा होगा कि 1 मार्क्स तो नहीं देना चाहिए, 2 मार्क्स का देना चाहिए, ऐसे अब लग रहा है कि नहीं ये 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, तो ये ज्यादा आसानी से हो गया। जरूरी नहीं कि ये हमेशा ही आसान मेथड है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये आसान क्यों हो गया? क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट दे दिया। यदि इंडिपेंडेंट नहीं देता तो कहीं ना कहीं कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहता, यानी एक यहां से और क्वेश्चन बनाया जा सकता है इंडिपेंडेंट का केस नहीं देकर। ये तो एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, एक और क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि एक्सपेक्टेशन एक्स वाई ये सब देकर के एक जेड को डिफाइन कर दिया जाए, ठीक है ना, और आपको क्या दे दिया जाए, यहां पर दे दिया जाए कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, वाई गिवन एक्स दे दो, यानी ये भी मत दो, ये भी मत दो, इसको हटा दो, इसको गायब कर दो, क्या दे दो, ये दे दो आप, एक ये दे दो आप, और एक जेड आप डिफाइन कर दो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन दे दो, ठीक है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड निकालने के लिए दे दो। तो जब एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड दे दोगे तो वही सेम कंडीशन होगा, आप उस मेथड से सॉल्व करो, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो जब कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आपसे डिस्ट्रीब्यूशन निकल जाएगा, जब डिस्ट्रीब्यूशन निकल जाएगा तो फिर हो जाएगा, या फिर ये डायरेक्ट यूज कर लो, क्योंकि आपको कंडीशनल पता रहेगा, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पता रहेगा तो डायरेक्ट आपसे एक्सपेक्टेशन निकल जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट ही दिया हो, लेकिन हाँ इंडिपेंडेंट नहीं दिया है उस केस में कंडीशनल होना चाहिए। दूसरा चीज इसको और आपको अच्छे से उलझा सकता है, देखो इसका क्या कर देगा, देखो एक ये क्वेश्चन हो गया, दिमाग में रखना है, ठीक है ना, एक ये आज तक IIT ने अभी तक नहीं पूछा है, ठीक है ना, देखना IIT ने एक बार भी नहीं पूछा है, आप पूरा प्रीवियस ईयर करके देखो। ये कैसे पता चलेगा, जब आप 2-3 बार प्रीवियस ईयर करोगे तब जाकर के आप कनेक्ट कर पाओगे, अदरवाइज आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे कि IIT ने क्या पूछा है, अभी तक क्या नहीं पूछा है। तो जो चीजें नहीं पूछा है उसका पूछने का चांस ज्यादा है, क्योंकि आपको भी पता है कि IIT हमेशा नया चीज यूज करता है, वो रिपीट बहुत कम करता है, बहुत ना के बराबर रिपीट करता है, यानी 60 क्वेश्चंस में मुश्किल से 10-15 ही कंसेप्ट वो रिपीट करता है, सेम कंसेप्ट, बाकी सब कुछ उसका नया ही होता है। अने नया मीन कि ऐसा नहीं कि नया बिल्कुल कंसेप्ट लाता है, ऐसा मैं नहीं कर रहा, वो सिलेबस से ही निचोड़ के निकालता है, सिलेबस को ही मल्टीपल टाइम्स करता है, सोचता है तो कुछ नया निकल जाता है, तो वो सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा, आप निश्चिंत रहो, जो पूछेगा सिलेबस से ही पूछेगा। तब मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पर दोनों का कंडीशन वो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा, ठीक है, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन देने के बाद ये जेड को डिफाइन कर देगा। एक तो ये कि प्रत्यक्ष दे दिया, इसके पहले जो मैं आपको कंडीशन बतलाया था उसमें प्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष करने का मतलब बिल्कुल डायरेक्ट हो गया, चीजें आपको दिख रही है, कुछ करना नहीं बस दिख रही है, लिख देना। एक है कि यह PDF दे देगा, ज्वाइन PDF, अब ये इनडायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट नहीं रहा, क्यों, क्योंकि उसकी हेल्प से अब आपने आपको ये जेड डिफाइन कर दिया, जेड के बाद पूछ दिया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड निकाल, तो अब आपका माथा चक्कर आ जाएगा कि अब हम क्या करें, अब हम कैसे प्रोसीड करें उस केस में। तो उस केस में आपको इसको फिल्टर करना होगा, यदि इस तरीके से दिया है तो आपको कंडीशनल लिखना होगा ना, इसको इसको ऐसे लिखना होगा, इस तरीके से लिखना होगा, इस तरीके से लिखना होगा। जैसे ही आप इसको फिल्टर कर लीजिएगा बस आपके लिए चीजें आसान हो गया, अब आप इसका यूज करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही हवा में तैरते रहो। तो इस चीज को IIT ने आज तक नहीं पूछा, तो मेरा भी अभी क्लिक था, जब मैं क्वेश्चन बना रहा था तो ये क्लिक थोड़ी किया था, यदि क्लिक करता तो भी सी बात है कि ये मैं डायरेक्ट नहीं देता, क्योंकि ISI ने इसको डायरेक्ट दे रखा है ना, ISI ने डायरेक्ट दे रखा है, बस ये सब मैं चेंज कर दिया हूँ, जेड को चेंज कर दिया हूँ, प्रोबेबिलिटी के जगह पर एक्सपेक्टेशन पूछ दिया, बस मैं इतना ही चेंज किया, उसका माइनस को मैं प्लस, देखना ISI में माइनस को प्लस कर दिया, और वहां बर्नौली था, दोनों में वो बर्नौली दिया था, एक्स और वाई बर्नौली था, मैं एक को बर्नौली कर दिया और एक को बाइनोमियल कर दिया,
यानी एक तरीके से कहा जाए तो मैं क्वेश्चंस में कुछ चेंजेस नहीं किया, उसी के मेहनत को मैं क्या कर दिया, थोड़ा एडिट करके एक नया क्वेश्चन का फॉर्मेशन कर दिया, यानी कुछ बहुत वेराइटीज में नहीं किया। लेकिन हाँ, अब इसको ना दे करके ये चीजें थोड़ी डायरेक्ट दिख रही है, इंडिपेंडेंट वगैरह केस थोड़ा डायरेक्ट हो गया, चीजें थोड़ा आसान है। यदि आपने एक बार कर लिया है तो, यदि आपको किसी ने एक बार करा दिया तब तो चीजें आसानी हो गया ना, अब उसमें दम कहाँ रहा। अब तो वही है कि आपको कोई दूसरा बंदा दे, उस सोल्यूशन को सामने रखो, टिप 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 करके 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 एक एक स्टेप आंसर तक पहुंच जा, थोड़ा इसी को घुमा देगा, अब इसके बदले ये दे देगा, इंडिपेंडेंट के जगह डिपेंडेंट भी दे देगा, तो शायद आपका क्लिक कर जाए। लेकिन अब ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन दे दे और ये डिफाइन कर दे, तो अब आपका दिमाग वहां होने लगेगा खड़ा, ये तो लिखा हूं तो अभी आसान लग रहा है, लेकिन केवल ये पूछा रहे तो अब कहोगे कि अब कैसे करें। तो वही आपको सोचने आना चाहिए, थोड़ा ये दो स्टेप पीछे चला गया एक तरीके से, क्या क्या हो गया, ये आपका दो स्टेप पीछे चला गया। ये वाली चीजें क्या थी, एकदम डायरेक्ट था, अब इसमें ये दो स्टेप पीछे चला गया, पीछे से खींच करके आपको यहां तक पहुंचना है, और जैसे पहुंच जाएगा आपसे क्वेश्चन, यानी यहां तक कहने का मतलब आपको यहां तक पहुंचना है, और जैसे पहुंच जाओगे आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हाँ हाँ 11 बजे निकले गए, हाँ तो बस यही है क्वेश्चन का फॉर्म क्या। हाँ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है जहां पे ए आई जी ए डिसज्वाइंट होता है, ठीक है ना, और सबका यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल होता है। अरे भाई वेरिएंस जेड को यहाँ पर एक्सपेक्टेशन अब निकाल लो ना, जेड स्क्वायर कर लोगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा, कंडीशन का स्क्वायर थोड़े होता है, एफ का स्क्वायर करते हो तो कंडीशन का स्क्वायर होता है क्या। अब जेड का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर वाई स्क्वायर, यहाँ पर 1+y का स्क्वायर हो जाएगा, अब निकल जाएगा वेरिएंस ऑफ जेड, तो ये हो गया। तो एक क्वेश्चन आपका कितना क्वेश्चन बन गया, 4 से 5 क्वेश्चन बन गया। तो इस तरीके से मैं आपको एनालिसिस करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि आंसर ला करके खुश हो जाए, जहां बन रहा है, अब ये नहीं कि जहां क्वेश्चन नहीं बना सोच यहाँ तो बन ही, अरे भाई हर जगह हर चीज को थोड़े अप्लाई कर सकते, जहां हो रहा है वही, जहां जगह बनेगा वही अप्लाई करोगे ना, तो उसको इंजनलाइज कर दोगे कि नहीं हर जगह हम यही काम करेंगे, यहाँ बन रहा था तो मैंने बना दिया आसानी से। चलो क्लिक भी करना चाहिए, क्लिक कर गया तो उस दिन रगड़ दो, जिस दिन नहीं क्लिक किया अपना तो स्मूथ गाड़ी छुप छुप करके चल ही रही है। अब आपको ये टेस्ट में कुछ ना कुछ आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना।